लास्ट लेक्चर रिलेशनल ऑपरेटर्स तक अपन ने कवर अप कर लिया था. नाउ लेट्स मूव फर्दर. जेएस के बाकी ऑपरेटर्स पे बात करते हैं. बाकी ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने इनको सी लैंग्वेज में देखा है. जैसे डबल एम्परसेंड, याद है आपको क्या करता है डबल एम्परसेंड? डू यू रिमेम्बर क्या करता है? दो कंडीशंस चेक करेगा, दोनों ट्रू हुई तो ओवरऑल ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो ओवरऑल फॉल्स, राइट? देन वी हैव डबल पाइप जो जेएस के अंदर भी लॉजिकल और है, और एक्सक्लेमेशन मार्क जो जेएस के अंदर लॉजिकल नॉट है. लॉजिकल नॉट क्या करता है? लॉजिकल नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को रिवर्ट करके ट्रू कर देगा. अपने ऑडियो वीडियो प्लीज क्लोज कर लीजिए, अपने ऑडियो वीडियोस प्लीज क्लोज कर लीजिए. नेटवर्क में इशू आ रहा है, दूसरों को दिक्कत जाएगी, स्ट्रीमिंग सही नहीं हो पाएगी. प्लीज अपने ऑडियो वीडियो क्लोज कर लें. राइट, सो वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स विच आर एग्जैक्टली सेम एज लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस. साउंड क्लियर नहीं आ रही है, साउंड में इशू आ रहा है क्या? Everyone is facing some issue in the sound? नहीं. Himanshu, please अपना network connection check कीजिए. चलिए next. Then JS आपको provide करती है assignment operator की varieties. आपको अगर याद हो तो assignment arithmetic operator के साथ club होता है. I mean to say C language में इस line को लिखने का कोई और provision भी है? A equal to A plus 10. Can we write it in some other way? Yes, we can write it as a plus equal to 10. आपको अगर लिखना है x equal to x minus y, you can write it as x minus equal to y. बिल्कुल, compound operators आप इन्हें बुलाते हैं, और JavaScript भी आपको compound operators के नाम पर assignment की varieties देती है. तो आपके पास normal assignment भी है और assignment की varieties भी हैं, plus equal to, minus equal to, into equal to, upon equal to and so on. Getting this? समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? तो यहां तक तो कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है. अभी बताइए जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं. ये कहना गलत होगा कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स नहीं होती हैं. होती हैं, बट आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? लेकिन आप जिस तरीके की वैल्यू वेरिएबल में डालते हैं, बेस्ड अपॉन दैट वैल्यू, क्या जेएस डेटा टाइप पता करती है? करती है. एंड बींग अ प्रोग्रामर, आप डेफिनेटली कई बार ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके वेरिएबल की टाइप जेएस ने क्या रखी हुई है. ये तब बहुत काम की चीज होती है जब आप अपने कोड को डिबग करते हैं, क्योंकि तब आपको ये बिहेवियर समझने के लिए कि जेएस ऐसा क्यों कर रही है वेरिएबल की टाइप चेक करनी पड़ेगी. जैसे याद करें, प्लस का जेएस में डबल रोल है, प्लस ऑपरेटर डबल रोल प्ले करता है, स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेट, नंबर्स के साथ ऐड करता है. तो आप ये जानना चाहेंगे कि अगर जेएस ने इस वक्त कंकैटिनेट कराए तो क्यों कराए. तो कभी भी जेएस में आपको किसी भी वेरिएबल की एक्सप्रेशन की टाइप पता करनी हो तो जेएस आपको एक ऑपरेटर देती है. गौर करिएगा, ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर का नाम है टाइप ऑफ, राइट? ऑपरेटर है इसलिए पैरेंथेसिस के साथ और पैरेंथेसिस के बिना दोनों ही तरह से लिखा जा सकता है. आई रिपीट, जेएस आपको एक ऑपरेटर देती है. जेएस केस सेंसिटिव है, यस, तो पूरा लोअर केस में नाम आएगा. ऑपरेटर का नाम है टाइप ऑफ, और आप टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये पता कर सकते हैं कि जो आपने वैल्यू या वेरिएबल लिया है वो इस वक्त किस पर्टिकुलर टाइप का है. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, फिर अपन आईडी पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं. नोटिस करिए, आप जेएस से पूछ रहे हैं टाइप ऑफ 42. क्या 42 जेएस के अंदर नंबर है? इंटीजर तो होते नहीं है. तो नोटिस करिए, टाइप ऑफ 42 का जवाब जेएस दे रही है आपको नंबर. आप पूछ रहे हैं टाइप ऑफ भोपाल, तो जेएस बोल रही है स्ट्रिंग, राइट? और भोपाल सिंगल कोट में होता तो भी स्ट्रिंग. इट डजेंट मैटर वेदर योर स्ट्रिंग इज इन डबल कोट और सिंगल कोट, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग, चाहे कोट सिंगल हो चाहे कोट डबल हो. Then type of true as expected boolean. Type of 3 plus 4, 3 plus 4 expression है, 3 plus 4 expression है. ये expression 7 में convert होगी
एंड सेवन की टाइप जेएस के लिए नंबर है. सिंपल इनफ राइट. तो ये थे कुछ सिंपल एग्जांपल्स. अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं. ठीक, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. टाइप ऑफ 3.4 फ्लोट. अभिमन्यु जेएस में फ्लोट होता है राइट नंबर. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो आपने दो दिन पहले कुछ पढ़ा था, वो आज यहां पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा. वेयर माय कार, टाइप ऑफ माय कार. अब मैंने माय कार के अंदर कुछ नहीं डाला है, जेएस ने क्या डाला है, स्ट्रिंग डाली है. कैसी बातें कर रहे हैं, जब हम वेरिएबल में कुछ नहीं डालते हैं तो जेएस उसको स्ट्रिंग बना देती है. ये पढ़ा आपने पिछले दो तीन दिनों में, अनडिफाइंड कर देती है राइट. तो आपके इस वेरिएबल के अंदर आएगा अनडिफाइंड. नॉट टेल मी अनडिफाइंड वैल्यू है टाइप है, दोनों है. याद है आपको, दोनों है. इस वक्त टाइप ऑफ आपको बोलेगा कि माय कार की डेटा टाइप अनडिफाइंड है. तो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था कि अनडिफाइंड डेटा टाइप के तौर पे कैसे यूज होती है, टाइप ऑफ में यूज होती है. जब आप टाइप ऑफ ऑपरेटर से पूछेंगे व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल माय कार, सिंस माय कार इज अनडिफाइंड, इट्स डेटा टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड. हुआ क्लियर राइट. नेक्स्ट, माई बाइक इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग. माई बाइक स्ट्रिंग्स एम्प्टी, वेरी गुड. टाइप ऑफ माई बाइक विल बी अ स्ट्रिंग, होना भी चाहिए. माई बाइसिकल इक्वल टू नल. माई बाइसिकल इक्वल टू नल, बस यही प्रॉब्लम है. हर प्रोग्रामर जब जेएस पहली बार पढ़ता है और इन एग्जाम्पल्स को देखता है तो दिमाग उसका यही कहता है कि जब टाइप ऑफ माई कार अनडिफाइंड है तो टाइप ऑफ माय बाइसिकल भी नल आना चाहिए. बट आपको याद होगा मैंने एक लाइन बोली थी कुछ दिन पहले, ब्रेंडन एक ने इसे एक बग की तरह लिया हुआ है और नल की टाइप ऑफ नल नहीं आती, क्या आती है बताइए, ऑब्जेक्ट आती है. और ये लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये जावास्क्रिप्ट का बग है. तो फिर डाउट आना चाहिए बग है तो दूर क्यों नहीं हुआ. अगर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ये बग है, बग समझते हैं ना, एरर, जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर में ये एरर है. तो अगर जेएस के इंटरप्रेटर में ये एरर है तो 20-22 साल हो गए जेएस को आए हुए, ये एरर दूर क्यों नहीं हुई. तो उसका रीजन ब्रेंडन एक ने ये बोला है कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में एप्स इतना यूज कर चुकी हैं इस फीचर को कि अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये चेंजेस करे तो वो एप्स सारी वो एप्स सारी क्रैश कर जाएंगी. तो उन एप्स की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बनी रहे इसके लिए ये बग एक्सेप्टेड बग है कि नल की डेटा टाइप नल होनी चाहिए बट नल की डेटा टाइप आती है ऑब्जेक्ट. आया समझ में. अब पता नहीं बाद में कब चेंज होगी, अभी तक तो चेंज उन्होंने करा नहीं है. और हम ब्रेंडन एक को कुछ ब्लेम भी नहीं करते हैं क्योंकि आपको याद होगा कितने दिन में लैंग्वेज बनी है, 7 दिन में. जस्ट इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज सच अ पावरफुल लैंग्वेज वॉज डिजाइन. तो अपन ने थोड़ा सा ब्रेंडन एक को लोगों ने डेवलपर्स ने रिलैक्सेशन दे दिया है कि ठीक है छोटी मोटी गलतियां इग्नोर हो सकती हैं. बट उन्होंने खुद एडमिट करा है, आप उनके ब्लॉग पे जाकर देख सकते हैं कि नल का आना एस ऑब्जेक्ट एक बग है और वो बग अभी फिलहाल वो दूर नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी चाहिए राइट. चलें आगे. अब इसके प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं कुछ. दिस द एग्जांपल जो आपके सामने है, जस्ट अ मोमेंट. टाइप ऑफ का एक छोटा सा एग्जांपल और देख लें पहले. चलिए, नाउ टेल मी किस पे आंसर क्या आने वाला है. खूब सारे टाइप ऑफ आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए व्हाट इज टाइप ऑफ 42. एवरीवन प्लीज टाइप द आंसर इन चैट विंडो. वेरी गुड, टाइप ऑफ 42 इज नंबर, परफेक्ट. व्हाट इज भोपाल टाइप, व्हाट इज टाइप ऑफ भोपाल. समीन आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए. समीन अली आपका ऑडियो ऑन है, थैंक यू. टाइप ऑफ भोपाल स्ट्रिंग, वेरी गुड. टाइप ऑफ ट्रू, वेरी गुड. टाइप ऑफ ट्रू इज बूलियन. टाइप ऑफ 3+4 नंबर. टाइप ऑफ 42 नंबर. टाइप ऑफ भोपाल स्ट्रिंग.
टाइप ऑफ ट्रू बूलियन, टाइप ऑफ सी प्लस फोर नंबर। ठीक है, अब एक और चीज आपके नोटिस में आएगी, मैंने कंसोल पे भी आउटपुट प्रिंट कराया है, देख रहे हैं आप ब्राउजर विंडो के साथ साथ आउटपुट इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन कंसोल। तो मैं दोनों आपके सामने ओपन करता हूं, बताइए कुछ नोटवर्दी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आउटपुट में दिख रही है आपको? जस्ट वेट फॉर द सर्वर टू स्टार्ट। तो ये आपका करंट आउटपुट है और इसी का करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये कंसोल पे है, देखिए ध्यान से। ठीक है, लास्ट वाले को छोड़ दीजिएगा, ये हमारे पेज की एरर्स नहीं है, सो जस्ट इग्नोर दैट। हमारा आउटपुट ऊपर की चार लाइनें, ठीक है, ये जो एरर आ रही है ये एंटीवायरस की जेएस कोड से आ रही है जो इस पेज में लगा हुआ है। चलिए पढ़िए फटाफट, नंबर स्ट्रिंग बूलियन नंबर दिख रहा है, आप चेक करिए जेएस में आपको कंसोल पे आउटपुट अलग अलग कलर में दिख रहा है। आर यू एबल टू नोट दिस थिंग? गौर से देखिए, 42 नंबर है ना, उसका कलर ब्लू आ रहा है, आ रहा है। देन भोपाल स्ट्रिंग है, भोपाल ब्लैक कलर में आ रहा है, करेक्ट। देन बूलियन, बूलियन डेटा टाइप ट्रू, अगेन ब्लू कलर में, राइट। तो कंसोल को ऐसे बनाया गया है कि ये अलग अलग आउटपुट आपको अलग अलग कलर में दिखाता है, इसका डिजाइन ऐसा है। तो आप कई बार कलर देखकर भी पहचान सकते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है वो किस टाइप को इंडिकेट कर रहा है। आ रही है बात समझ? एवरीथिंग इन ब्लैक विल ऑलवेज इंडिकेट अ स्ट्रिंग, एवरीथिंग इन ब्लू विल ईदर इंडिकेट अ नंबर और बूलियन, और नंबर ऑफ बूलियन जब तक ट्रिपल इक्वल टू नहीं लगाते हैं तब तक तो सेम ही है। स्ट्रिंग पे कोड क्यों नहीं आते हैं? कौन सी लैंग्वेज स्ट्रिंग पे कोड देती है मुझे बताओ धीरेन्द्र, आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है जो स्ट्रिंग आउटपुट दिखाते वक्त कोड में दिखाती है? पढ़ी है आपने कोई लैंग्वेज ऐसी धीरेन्द्र? बताओ ना मुझे कोई लैंग्वेज ऐसी बताओ जिसमें हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं और आउटपुट में सिंगल कोट आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो किसको बेटा? स्ट्रिंग पे डबल कोट, स्ट्रिंग वर्ड पे डबल कोट क्यों नहीं आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। तो कंसोल की नेचर है, वो कंसोल उसको ऐसे शो कर रहा है आपको, आ रहा है समझ? डबल कोट पे मत जाइए आप सिर्फ कलर को चेक करिए, क्योंकि हर बार आप डेटा टाइप का नाम थोड़ी प्रिंट करेंगे, हर बार डेटा टाइप का नाम थोड़ी प्रिंट करेंगे, आप तो वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे ना। तो वो कंसोल ऐसे डिफाइंड है, आपने जब टाइप ऑफ से डेटा टाइप का नाम प्रिंट कराया है ना, चेक करिए ये तो यहां से हो रहा है ना, लेट मी ओपन द सोर्स कोड, ये यहां से आ रहा है ना। जब आप प्रिंट कर रहे हैं टाइप ऑफ भोपाल तो ये यहां से स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, टाइप ऑफ ट्रू यहां से प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट, और टाइप ऑफ ऐसे बनाया गया है कि वो कंसोल पे जब आउटपुट दिखाए तो स्ट्रिंग पे डबल कोट लगा दे, उसका कोई खास कारण नहीं है, सॉरी स्ट्रिंग पे डबल कोट ना लगाए बाकियों पे लगा दे, नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, नो हिडन रीजंस, राइट। चले आगे, गुड। तो आपको तो बस टेक अवे इस पॉइंट से ये लेना है कि कंसोल पे अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज के कलर्स हमें अलग अलग दिखते हैं, नंबर्स और बूलियंस ब्लू में दिखते हैं, स्ट्रिंग्स अपन को ब्लैक में दिखती हैं। हो रहा है क्लियर? चले आगे, और कोई खास रीजन नहीं है कंसोल पे प्रिंट करा के देखने का फिलहाल।